दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, गहलोत सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और गुरु कृपा कंपटीशन चैनल इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा था। आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो, जितने भी एलडीसी 2018 से जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी, जो 587 पोस्ट थी उन पोस्टों को बढ़ाकर गहलोत जी ने 603 पदों की बढ़ोतरी की है। वो जनरल और ओबीसी वर्ग के जो पद काटे गए थे उनकी हमारे चैनल द्वारा लगातार मांग की गई थी और हमारा प्रयास लगातार था कि इन बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं हो। और उपेंद्र जी से भी हमने लगातार रिक्वेस्ट की थी और हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो इस मिशन में सफल करवाने में हमारा सहयोग किया था। और कई अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सर, आप सरकार और जो भी अच्छा कार्य करेगा हम उनकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जो भी बेरोजगार है वो एक एक पद के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और आज 603 पदों की बढ़ोतरी करके सरकार ने बहुत ही बड़ा कार्य किया है। इसके लिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल गहलोत जी का और उपेंद्र जी का और जो भी इस मिशन में जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़े थे उन सब का हम तहे दिल से सहयोग करते हैं। आगे भी हम रीट और अन्य भर्तियों के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी हमारा संघर्ष होगा हम लड़ते रहेंगे और जो भी बेरोजगारों की मांग होगी हम इस चैनल के माध्यम से उनका पक्ष रखते रहेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय। 603 अतिरिक्त पदों, ये आप देख सकते हो 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। तो दोस्तों, इस भर्ती में 603 पदों पर इन्होंने, इसमें आप देख सकते हो जयपुर 21 सितंबर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसमें सामान्य वर्ग के 345 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 223। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जनरल और ओबीसी के ये पद काटे गए थे, जिसमें सामान्य वर्ग के 345 और ओबीसी वर्ग के 223 पद थे। अब अनुसूचित जनजाति के भी 35 पद सरकार ने जोड़े हैं, इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं इनको। संशोधित अर्थना के कारण नियुक्ति से वंचित हो रहे अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है, उन्हें विज्ञापन पदों के अनुरूप नियुक्ति के अवसर मिल पाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस भर्ती को संशोधित अभ्यर्थना में विज्ञापित पदों में से सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जनजाति वर्गों के पदों की कमी कर दी गई थी, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों के अनुसार परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का सत्यापन करा लिया था। बीते दिनों कार्मिक विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह तथ्य आया तो उन्होंने युवा आशार्थियों के हित में निर्णय लेते हुए निर्णय दिए थे कि पदों में कमी के कारण चयन से वंचित इन वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर नियुक्ति दी जाए। इसी क्रम में इन 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब जल्द इन अतिरिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी। अब तक इस परीक्षा के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 10,763 रिक्त पदों के विरुद्ध 10,688 तथा अनुसूचित क्षेत्र जो TSP के 1,278 रिक्त पदों में 722 अर्थात कुल 11,410 अभ्यर्थियों ने विभागों का आवंटन किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये देखने को मिला है। प्रेम प्रताप सिंह जी, ये आप देख सकते हो गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थियों हित में बड़ा निर्णय, 345 सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा के 223। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा मिशन सफल हुआ। हम लगातार जिसके लिए प्रयास कर रहे थे और लगातार कॉल के मेट आ रहे थे कि सर, आपका जो आप प्रयास कर रहे हो वो मामला कहाँ तक पहुँचा, तो दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार ने हमारी बात सुनी। इसी प्रकार अन्य भर्तियों में जो भी हमारी मांग है हम लगातार रखेंगे और जो भी LDC से हमारे से जुड़े हुए थे वो प्लीज़ एक नीचे कमेंट जरूर लिख दे, जिससे हमारा हौसला लगातार आपके लिए बढ़ता रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।